Good morning everyone. I hope you all are doing well. So in today's session we are going to discuss about unseen passages. So unseen passages क्या होते हैं जो आपके exam में आएगा. Unseen passage का मतलब होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से एक passage exam में आएगा. उस passage को read करके आपको क्या करना है, जो questions given है उनको answer करना होता है. तो आज मैं आपके सामने एक ये पैसेज आपको रीड करके दूंगी और साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड आप सबको क्या करना है, यू ऑल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. आनंद एंजॉयड गार्डनिंग. आनंद को क्या करना अच्छा लगता था? गार्डनिंग. ही ग्रू वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोस, स्पिनच एंड कैरेट्स. वो कौन से वेजिटेबल्स उगाता था? टोमेटोस, स्पिनच एंड कैरेट्स. आनंद वॉटर द प्लांट्स एवरी डे एंड रिमूव द वीड्स. आनंद क्या करता था? डेली प्लांट्स को पानी देता था और जो वीड्स होते हैं बेटा अनवॉन्टेड प्लांट्स, तो वो अनवॉन्टेड प्लांट्स को रिमूव भी कर देता था. आफ्टर द प्लांट्स ग्रू आनंद हार्वेस्टेड फ्रेश वेजिटेबल्स. और जैसे ही प्लांट्स बड़े हो जाते थे आनंद को क्या मिल जाती थी? फ्रेश वेजिटेबल्स. He shared them with his friends and neighbors. और वो उन वेजिटेबल्स को शेयर करता था अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ. आनंद felt proud of his hard work. आनंद को बहुत प्राउड फील होता था अपने हार्ड वर्क पे. आई होप आपको पैसेज समझ में आ गया हो. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. What did Anand enjoy doing? Anand ko kya karna acha lagta tha? Iska answer you all have to find from this given above passage. Now, question number 3 is, what did Anand do every day to care for the plants? Anand every day kaise apne plants ki care karta tha, uske liye kya karta tha, wo aapko likhna hai. What did आनंद डू आफ्टर द प्लांट्स ग्रू. और जब उसके प्लांट्स ग्रू हो गए तब आनंद ने क्या किया था वो आपको बताना है. हुम डिड आनंद शेयर द वेजिटेबल्स विद. आनंद अपनी वेजिटेबल्स किसके साथ शेयर करता था? दैट यू ऑल हैव टू आंसर फ्रॉम द पैसेज. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट पैसेज. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड अनसीन पैसेज. आरती इज मनुज बेस्ट फ्रेंड. आरती कौन है? मनु की बेस्ट फ्रेंड है. शी इज गेटिंग रेडी टू गो टू मनुज बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग. आरती क्या कर रही है? वो रेडी हो रही है मनु की बर्थडे पार्टी के लिए. शी बॉट अ बिग बुक ऑफ स्टोरीज एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मनु. और उसने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट में क्या खरीदा है? एक बिग बुक ऑफ स्टोरीज. आरती वॉन्ट्स टू रैप इट इन रेड कलर पेपर. आरती उसको रैप करना चाहती है रेड कलर पेपर में. शी नोज दैट रेड इज मनुज फेवरेट कलर. उसे पता है कि रेड क्या है? मनु का फेवरेट कलर है. शी कांट फाइंड एनी रेड पेपर. लेकिन उसे कोई रेड पेपर नहीं मिल रहा है. आरती इज सैड. लुकिंग एट आरती सैड सैड फेस हर मदर टोल्ड हर टू रैप द गिफ्ट इन हर रेड स्कार्फ. आरती का सैड फेस देखकर उसकी मदर उसे बोलती है कि आप उसका गिफ्ट किस में रैप कर दो? रेड स्कार्फ में. आरती वॉज डिलाइटेड. आरती बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है. नाउ यू ऑल हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन वन वर्ड. क्वेश्चन नंबर ए इज, हु इज मनुज बेस्ट फ्रेंड. मनु की बेस्ट फ्रेंड कौन है? वेयर इज आरती गोइंग इन द इवनिंग. आरती इवनिंग में कहाँ जा रही है? What gift Aarti has for Manu? Aarti ke paas Manu ke liye kaun sa gift hai? Which is Manu's favorite color? Manu ka favorite color kaun sa hai? Ye saare questions ke answer you all have to find from this passage. Now you all have to solve both unseen passages in your notebook. Thank you.